हाय फ्रेंड्स, ये है द बैडमिंटन ब्रो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो शटल्स जो आपके आउटडोर गेम के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी और आपकी जो गेम है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एसेंस लाएगी, जैसे आप फेदर की शटल से खेल रहे हों। वैसे तो यार फेदर की जो शटल्स होती हैं वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उन्हें ही प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं अपने गेम के लिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, वो लाइट होती हैं, उनके अंदर जो उसका आपका एक अटैचमेंट होता है, आपका एक अपने रैकेट से आपका एक शॉट मारते हुए आपका एक अटैचमेंट होता है रैकेट का शटल से, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो फील होता है कि जब आपने मारा है शटल को तो आपकी जो फीलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी वो फील होगी उतना अच्छा आपका गेम होगा, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो आउटडोर गेम्स के लिए जनरली हम नायलॉन शटल्स को प्रेफर करते हैं। तो यार मैं अपना काउंटडाउन फटाफट शुरू करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने का होता नहीं है। बाद में जनरल डिस्कशन करूँगा कि क्यों मैंने कौन सी शटल को प्रेफरेंस करा और कौन से को नहीं करा। तो यार पाँचवें नंबर पर मैं रखता हूँ कॉस्को की एरो 787 शटल। अब इसके अंदर क्या खास बात है, जो मैंने यूज़ करी है कॉस्को की, काफ़ी अच्छी शटल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू लीनिंग या फिर सिल्वर्स या फिर और भी जो कोई ब्रांड होगा। मुझे इसकी काफ़ी पसंद है 787, ये लगभग 600 रुपये की आपको पड़ती है। अप्रॉक्सीमेट रेट बताऊंगा क्योंकि ये थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। फोर्थ नंबर पर अगर मैं रखता हूँ तो आती है आपकी योनेक्स की माविस 300। ये भी काफ़ी एक बहुत जाने माना ब्रांड है योनेक्स, और ऑब्वियसली बात है 300 है माविस की काफ़ी चलती आ रही है। इसका रेट लगभग 800 रुपये पड़ता है, 6 शटल का डब्बा आता है, 800 रुपये की आपको पड़ती है, उसका भी 6 का ही है। इन सबका जो कंटेंट है एक डब्बे के अंदर वो 6 शटल का है, जो मैं रेट्स बता रहा हूँ ये 6 शटल के ही हैं। थर्ड नंबर पे जो मैं आपको बताता हूँ वो है आपकी योनेक्स की माविस 350। ये मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस शटल है, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग इनडोर के लिए भी आउटडोर के लिए भी। ये मैंने थर्ड नंबर पे रखी है, सारे रीजंस आपको बाद में पता चलेंगे। ये भी लगभग 800 रुपये की आती हैं 6 शटल्स। सेकंड नंबर पे मैं रखता हूँ योनेक्स की माविस 2000 यानी 2000 बैडमिंटन शटल। ये लगभग आपको 1000 रुपये की पड़ती है, थोड़ी महंगी है, इसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और ये थोड़ी सी इनसे लेटेस्ट मॉडल भी है। और जो मेरी फर्स्ट है यानी जो सबसे अच्छी जो मुझे लगती है इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए, एक ऑलराउंडर शटल है जो योनेक्स ने निकाली है, जिसका नाम है योनेक्स माविस 600। जो ये वाली शटल है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, इसका फील काफ़ी अच्छा है, गेम के अंदर आपके एक अच्छा एसेंस लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, आपको लगता है कि यार अच्छा शटल को हिट करने के बाद अच्छी साउंड आ रही है, और साथ ही साथ वो अच्छा उसका ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा वॉबलिंग नहीं हो रही, ऐसे इधर उधर कांपती है ना शटल जब थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं, फिर फेदर में कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो इसमें बहुत कम होता है, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। अब मैं एक जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी जो बिगिनर्स के लिए जो शटल है, जो नॉर्मल शॉट्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूँगा योनेक्स की माविस 10। योनेक्स की माविस 10 उसका जो बेस होता है वो कॉर्क का नहीं होता, उसमें एक सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल का बेस होता है, वो अच्छी रहती है प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, इनसे सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल वो ही होगी ऑब्वियसली, वो फुल प्लास्टिक की बनी हुई है, हल्की है लेकिन उसका जो बेस है वो उसकी कंपैरेटिवली भारी है, इसलिए वो तेज़ उड़ती चली जाती है, उसकी जो स्पीड है वो तेज़ है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। लगभग 550 रुपये तक की आपको 6 शटल्स पड़ जाती है। अब मैं इन जनरल बात करता हूँ इन सारी नायलॉन शटल्स की। जब मैं बात करता हूँ अपने नंबर वन की यानी योनेक्स माविस 600 की, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो उसका नीचे का कॉर्क बेस है उसकी जो थोड़ी सी लेंथ है, जो थोड़ी सी उसकी मोटाई और जो लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी शटल, जिसकी वजह से उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आपके रैकेट पर भी प्रेशर कम पड़ता है, साथ ही साथ जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है उसमें भी फ़र्क आएगा, क्योंकि जितना कम प्रेशर लेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी, इतनी ज़्यादा वो चलेगी। और मैं बात करता हूँ उसके विंग डिज़ाइन की, तो विंग डिज़ाइन काफ़ी यूनिक रखा है इस बार योनेक्स ने, काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एरोडायनेमिक्स के पूरे उसके अंदर जो उन्होंने सिमुलेशन करे हैं उसके बाद उन्होंने कराया कि ये काफ़ी अच्छी शटल है, मुझे तो पसंद आई थी, मैंने एक ही बार खेला इससे, मुझे इसका रेट नहीं पता एक्चुअली में कितना है, क्योंकि ये मेरा दोस्त लेके आया था,
तो आप देख सकते हैं, लिंक तो खैर होगा ही नहीं इसका। मैं बात करता हूँ अब 2000 की, तो 2000 पहले से ही काफ़ी अच्छी शटल मानी जाती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी मेविस 350 से ज़्यादा नहीं लगती मेरे को, बट इसका जो गेमिंग स्टेबिलिटी है, जब गेम खेलते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी मुझे 350 से काफ़ी ज़्यादा लगती है। काफ़ी स्टेबल है और अच्छी भी है, क्योंकि महंगी है इसलिए लोग इसे प्रेफर इंडिया में ज़्यादा नहीं करते। अब मैं बात करता हूँ 350 और 300 की। मुझे 350 और 300 में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता दोनों के अंदर, सिर्फ जो उसका जो विंग का साइज, जो लगभग लगभग साइज़ है बराबर सा ही है, साथ ही साथ जो उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस है वो भी मुझे लगभग लगभग सेम सेम सी लगती है। लेकिन मैं 350 ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन करी कि 350 की ड्यूरेबिलिटी 300 से ज़्यादा है। तो यार इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा कि क्या नायलॉन शटल्स होती हैं आउटडोर प्ले के लिए, और कौन सी आपके लिए सही है, और कौन से आपके बजट के अनुसार सबसे अच्छी रहेगी। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, बढ़ाइए यार। अभी तो अच्छी वीडियोज़ आने की, मैं और सोच रहा हूँ अच्छी वीडियोज़ लाने की आपके लिए। अगली वीडियो के लिए मिलता हूँ यार, तब तक के लिए बाय, बी सेफ।